हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, आज की हमारी रेसिपी है ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने चीज़ चिली टोस्ट बनाया है, ये देखिए, जिसमें मैंने होममेड चीज़ यूज़ की है। ये देखिए, आप इसकी इलास्टिसिटी देख सकते हैं, कितनी बढ़िया और परफेक्ट चीज़ बन के तैयार है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं रेसिपी की कैसे बनती है होममेड चीज़। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन में आधा लीटर दूध लिया है। ये देखिए, आप 1 लीटर दूध से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर आधा लीटर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है विनेगर, तो विनेगर मैंने 3 चम्मच लिया है, इस वाली चम्मच से 3 चम्मच लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो दूध गर्म होने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें गर्म करना है, दूध हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। टेम्परेचर इसका चेक करना पड़ेगा, आप फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं। जितना हम दही जमाने के लिए दूध गर्म रहता है, उतना ही हमें दूध का टेम्परेचर रखना है। ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगा, और उबाल आ जाएगा तो भी चीज़ नहीं बनेगा। तो आप फिंगर की मदद से इसमें चेक करते रहिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर रखना है हमें दूध का। तो ये देखिए, दूध गर्म हो चुका है, फिंगर की हेल्प से मैं इसमें चेक कर पा रही हूँ, मुझे ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये देखिए, एक साइड मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा है, पानी गर्म हो चुका है, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमें आगे गर्म पानी का यूज लगेगा, इसलिए मैंने गर्म पानी रख दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमने जो ये दूध गर्म किया था, उसमें अब हमने जो ये विनेगर लिया था उसको डालेंगे। एक साथ मत डालिएगा, और इसको चलाना है। बाकी ये जो विनेगर है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, दूध में हमने विनेगर डाल दिया था तो कुछ इस तरीके से ये बन गया है। अब हमें इसको छान लेना है। अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक साफ कपड़ा लेके उसको छान सकते हैं। तो इसमें मैं पूरा डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से पूरा पानी इसका निकाल देना है। ये देखिए, पानी इसका मैंने पूरा निकाल दिया है। अब हमने जो यहाँ पे गर्म पानी लिया था, इस चीज को हम इसमें डालेंगे। डाल के हमें छोड़ना नहीं है, 2-3 मिनट तक ऐसे छलनी से इसको चला देना है। और फिर निकालना है, गर्म रहेगा और आपको अगेन ऐसे पानी इसका निकालना है। इसको आपको 3-4 बार करना है।
ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये इसमें जो हम चीज़ बना रहे हैं होममेड चीज़ उसमें इलास्टिसिटी आ सके, खिंचाव आ सके एक, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। गरम रहेगा, आप आराम से करिएगा। अगर आपको ज़्यादा गरम लगे तो आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, केयरफुली करिएगा क्योंकि पानी थोड़ा सा गर्म होता है। ये देखिए, मुझे ही गर्म लग रहा है अभी। गर्म पानी में हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जब दूध गर्म करते टाइम जो विनेगर डाला था उसका खट्टापन निकल जाए, उसका स्वाद ना आए। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें इलास्टिसिटी आ चुकी है, जैसे चीज में होती है वैसे। ये देखिए, ये देखिए, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको इसमें से पानी रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद हमें इसको ठंडे पानी में भी करना पड़ेगा। अभी मैं इसमें आधा मिनट इसको डले रहने देती हूँ, लेकिन आप हिलाते रहिएगा क्योंकि ये अगर एक जगह डली रहेगी चीज़ तो ये नीचे सेट होना शुरू हो जाएगी। तो गर्म पानी में हमने कर लिया है इसको अच्छे से, अब हम इसको ठंडे पानी में करते हैं। ये देखिए, अभी मैंने इसमें ठंडा पानी लिया है, अब हम ठंडे पानी में भी इसको अच्छे से डिप करेंगे। इसमें भी आपको ये 3-4 बार करना है। इसमें आप इलास्टिसिटी देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। बहुत इजी है चीज़ बनाना घर पे, क्योंकि बाज़ार से अगर हम चीज़ लेने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। आप घर पे ही आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ बन के ये रेडी हो चुकी है। आपको शुरुआत में ही इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप जैसे बनाते हैं चीज़ तो दूध जो हम गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म नहीं करना है दूध, इतना रखना है कि हमारी फिंगर आराम से उसमें डिप हो जाए। और जितना हम दही जमाते हैं उसके लिए दूध गर्म करते हैं उतना करना है। उससे बहुत ही बढ़िया आपकी चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें इलास्टिसिटी आ चुकी है और चीज़ बन के रेडी है। हम इसका सारा पानी रिमूव कर देते हैं पहले, फिर इसको एक कंटेनर में हम रख देंगे। अगर आपके पास पॉलीथिन शीट है तो उसको अच्छे से रैप करके रखिएगा ताकि उसमें हवा ना जा सके। ये देखिए बढ़िया बनके चीज़ रेडी है। तो ये देखिए मेरे पास एक कंटेनर है छोटा सा, ये देखिए उसमें मैं इस चीज़ को रखूँगी। आपके पास जो भी बॉक्स अवेलेबल है आप उसमें इसको शेप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये जैसा राउंड है इसमें पॉलीथिन रैप करके भी आप रख सकते हैं। और एयर टाइट डिब्बे में ही आपको रखना है अच्छे से इसको रख के। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रिज में रखेंगे, या तो ओवरनाइट के लिए आप इसको डीप फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको हम ओवरनाइट के लिए डीप फ्रिज में छोड़ देते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए डीप फ्रिज में ओवरनाइट रखने के बाद ये अच्छे से चीज़ सेट हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया चीज़ बन के रेडी है। तो अब मैं आपको ये कद्दूकस करके भी दिखाऊंगी।
ये देखिए, जैसे हम मार्केट से चीज़ लाते हैं सेम वैसी ही चीज़ बन के ये तैयार है। ये देखिए, तो अब मैं इस होममेड चीज़ का आपको प्रॉपर यूज़ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक आटा ब्रेड ली है, तो इस पे मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाऊंगी मैं, थोड़ा सा ही लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब ये जो हमने चीज़ बनाया था इसको हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से इस ब्रेड पे ये चीज़ डाल दिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी। परफेक्ट। तो अब मैं इसको मेल्ट करके आपको दिखाऊंगी। इसको मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव रखूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव रखूंगी, माइक्रोवेव में रखूंगी और इसको स्टार्ट कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट ही रखा था, 2 मिनट नहीं रखा, 1 मिनट के बाद ही मैंने निकाल लिया था। और आप ये देख सकते हैं चीज़ कितनी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, इसकी इलास्टिसिटी देखिए, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट चीज़ बन के ये रेडी है। जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं वैसी ही चीज़ ये बन के तैयार है। अभी गर्म है, ये देखिए। तो अगर मेरी ये चीज़ की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप भी एक बार घर पर ट्राई कीजिए, क्योंकि हम मार्केट से लेके आते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो आप इसको घर पर बना सकते हैं इजीली, बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।